गिरिडीह के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा और एसपी अमित रेणु ने तीसरी प्रखंड के सस्किया रखवा माइंस में अवैध खनन मामले पर वस्तु स्थिति का जायजा लिया। सस्किया रखवा माइंस में बीते मंगलवार को कार्य कर रहे दो मजदूरों की मौत जमीन धंसने के कारण हो गई थी। घटनास्थल का निरीक्षण कर उपायुक्त ने सभी संबंधित अधिकारियों को कई आवश्यक निर्देश दिए। उपायुक्त श्री सिन्हा इस दौरान दोनों मृत व्यक्तियों के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया। उपायुक्त ने खेद प्रकट करते हुए कहा कि यह बहुत ही दुखद है। उपायुक्त ने कहा कि इस माइंस का संचालन अवैध रूप से किया जा रहा था। ग्रामीणों की सुरक्षा को देखते हुए इस अवैध रूप से संचालित माइंस को बंद करा दिया गया है तथा भूमि का समतलीकरण करा दिया गया है। उन्होंने कहा कि अवैध रूप से माइंस का संचालन कर रहे संचालकों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उधर खदान में दबकर मरे मजदूरों के शव की तलाश में एनडीआरएफ की टीम एवं स्थानीय प्रशासन दिन भर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। एनडीआरएफ की टीम द्वारा स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग से खदान के अंदर दोनों होल्स तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया तथा शव को खोजने का हर संभव प्रयास किया। टीम के सदस्यों ने यह पाया गया कि माइंस के अंदर पत्थर के धंसने की संभावना ज्यादा थी। एनडीआरएफ की उपलब्ध तकनीकों से माइंस पत्थर के अंदर तक शव की खोजबीन की। शव निकलते वक्त पत्थर के नीचे वाले हिस्से की गिरते मिट्टी को देखते हुए एनडीआरएफ की टीम द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन बंद कर दिया गया। स्थानीय ग्रामीणों की सुरक्षा को देखते हुए जेसीबी मशीन के जरिए माइंस को बंद कर भूमि का समतलीकरण किया गया। उपायुक्त ने कहा कि एनडीआरएफ के बचाव कर्मी स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय से माइंस में फंसे लोगों की सहायता के लिए दिन भर तत्पर व तैयार हैं। एवरी वेलकम, यू हैव नेवर नोन। वेलकम टू अ जर्नी यू हैव नेवर इमेजिनड। वेलकम टू अरेबिया सऊदी। दो गड्ढों वाले शौचालय के बारे में सुना है? हाँ? नहीं सुना, आइए समझाते हैं। देखिए, दो गड्ढा बनाइए। पहले वाला जब मल से भर जाएगा ना, तो ये चालू हो जाएगा और साल भर के अंदर इसके अंदर जो मल है ये खाद बन जाएगा, इसे खाली कर दीजिए। इसी तरह शौचालय जो है वो आजीवन चलता रहे, न बीमारी फैलेगी न बदबू। और पैसे? अरे वो सेप्टिक टैंक से कई गुना सस्ता। हाँ, क्या समझे? शौचालय दो गड्ढों वाला ही बनवा। Yeah.